गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल चिल्ड्रेन. यू ऑल आर वेल? यस सर. रेडी टू लर्न? यस सर. मोस्ट वेलकम इन दिस इंग्लिश क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड आस्क यू जनरल क्वेश्चन, मस्ट रिस्पॉन्ड टू इट पॉजिटिवली, राइट? यस सर. व्हाट डेट इज टुडे? 20th of July 2020. वेरी गुड. व्हिच डे इज टुडे? मंडे. And which subject we have to study right now? English grammar. What will be topic there? Noun and its kinds. Very good. For which class this content will be applicable? 4th and 5th. Standard 4th and 5th. And what will be mode of impartation? YouTube. Very good. So, most welcome in this English class. Today we have to study the noun and its kinds. You all are familiar with noun? Yes, sir. Noun means? Naming word. Very good. Can you tell me few examples of noun? Yes, sir. Ram, school. Ram, Mohan, Shyam, and your name, name of animals, name of birds, all these comes under the stream of noun. Right? Yes, sir. So, we are going to start it with its definition. All naming words are called nouns, right? Yes, sir. You are following well? Yes, sir. They involve names of persons, places, things, or anything that exists physically or cosmically. That means, in Hindi, I will instruct you later. First of all, understand in English. Whatever you see through your muscular eyes, that is treated under a stream of concrete noun, and whatever you experience, you don't see through your muscular eyes, that comes under a stream of abstract noun. Right? Understanding? Yes, sir. So, all naming words are called nouns. Jitne bhi चीज का आप नाम देख रहे हैं वो सब नाउन के अंतर्गत आते हैं. दे इन्वॉल्व नेम्स ऑफ पर्सन, उसमें जितने भी पर्सन व्यक्ति के नाम आते हैं वो सब नाउन्स कहलाते हैं. स्थान के नाम को नाउन्स कहते हैं. जितनी भी चीजें आप अपने ज्ञान इंद्रियों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे उनका नाम जो है वो नाउन के अंतर्गत आता है. और ऐसी कोई भी चीज जिसे आप भौतिक रूप से देखते हैं या सूक्ष्म रूप से अनुभव करते हैं उनका नाम जो है वो नाउन के अंतर्गत आता है. देयर आर ऑल्सो नेम्स ऑफ क्वालिटीज और एक्शन विच डोंट एग्जिस्ट फिजिकली बट कैन बी थॉट ऑफ एंड एक्सपीरियंस. सो ऑल नेम्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप, दैट इज कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अर्थात इन हिंदी आप समझेंगे कि जिन चीजों को आप अपने ज्ञान इंद्रियों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कॉन्क्रीट के अंतर्गत आते हैं. और जिनका आप सिर्फ अनुभव करते हैं, जिनको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो सूक्ष्म है, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है. अब हम जानेंगे डिफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट नाउन, यानी कंक्रीट नाउन की परिभाषा. द नेम ऑफ एनीथिंग विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस कम अंडर द स्ट्रीम ऑफ कंक्रीट नाउन. एग्जाम्पल गेशिया, स्कूल, स्टूडेंट, टीचर, एक्सेट्रा. इट इज ऑफ फोर काइंड. ये कंक्रीट नाउन के चार प्रकार होते हैं जो इस प्रकार है. फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, ए वर्ड विच नेम्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग कॉमनली फॉर द होल स्पीसीज इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन. एग्जाम्पल पीपुल. अगर हम बोलते हैं पीपुल तो इसमें सभी आ जाते हैं, स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, उन सारे प्रकार के इंजीनियर्स, डॉक्टर, जो भी आप डिजिग्नेशन देख रहे हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं. सिटीज बोलते हैं आप तो पटना भी आ जाता है, मेट्रो सिटीज भी आ जाते हैं. इस तरीके से इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं हो पाता, ये कॉमन होता है, इसलिए सिटीज जो है ये
कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे गए हैं। कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज, स्टोरीज, मूवीज, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ थिंग्स, ऑल आर अंडर कॉमन नाउन। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन इज ए नेम दैट रिफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज के स्पेसिफाइड नेम को जब हम लेंगे, जैसे राम, मोहन, नित्यानंद, रमन, राजीव, आनंद, ये सारे नाम जो है स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफाई करते हैं, तो इससे पता चलता है किसी विशेष व्यक्ति को हम बुला रहे हैं, उन्हें नामांकित कर रहे हैं, उन्हें कॉल कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर फिट होते हैं। उसी की परिभाषा है ए नेम दैट रिफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस। अगर हम कहते हैं दिल्ली, तो दिल्ली स्पेसिफाइड प्लेस है, दिल्ली बोलने से दिल्ली ही समझेंगे, पटना बोलने से पटना ही समझेंगे, कोई अन्य जगह नहीं समझेंगे, ठीक है। एनिमल और थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन, ये इसकी डिफिनेशन है। एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इंडिया, इफ आई से इंडिया देन इंडिया इज क्वाइट क्लियर। गीता, श्रीमद भगवद गीता, बाइबल, गैंगेज एक्सेट्रा, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन। वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्रॉपर नाउन इज दिस दैट ए प्रॉपर नाउन बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर। वेन एवर यू स्टार्ट राइटिंग ए प्रॉपर नाउन देन यू हैव टू स्टार्ट दिस वर्ड विथ इन ए कैपिटल लेटर, लाइक इंडिया, सी हियर इंडिया बिगिन्स विथ कैपिटल आई, गीता बिगिन्स विथ कैपिटल जी, बाइबल बिगिन्स विथ कैपिटल बी, गैंगेज बिगिन्स विथ कैपिटल जी। इन दिस वे यू कैन लर्न अबाउट प्रॉपर प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक वर्ड दैट नेम्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल शोल, शोल ऑफ फिशेज, फैमिली, स्वार, बंच, बंडल, पैक एक्सेट्रा, जिससे सामूहिक चीजों का बोध होता है उसे हम समूह वाचक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे क्लास, फैमिली, शोल, स्वार, बंडल, पैक एक्सेट्रा। नेक्स्ट नाउ वी हैव टू लर्न फोर्थ वन, दैट इज मेटेरियल नाउन। इट इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मेटेरियल विच इज यूज टू मेक थिंग, इट डजेंट हैव एनी प्लुरल फॉर्म। इसका प्लुरल फॉर्म नहीं होता है, जिन चीजों को हम नाप तो सकते हैं, इट कैन बी वेट एंड काउंटेड, कम्स अंडर द स्ट्रीम ऑफ मेटेरियल नाउन। एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क, शुगर, वुड, मार्बल, स्टोन एक्सेट्रा, इसे मेटेरियल नाउन्स कहा जाता है। ये मेटेरियल नाउन्स की परिभाषा है, इट इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मेटेरियल विच इज यूज टू मेक ए थिंग एंड कैन बी वेट एंड काउंटेड, इट डजेंट हैव एनी प्लुरल फॉर्म। एग्जाम्पल मिल्क, शुगर, वुड, मार्बल, स्टोन। एंड एट लास्ट वी हैव टू लर्न अबाउट सेकेंड सॉर्ट ऑफ नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शंस और स्टेट एक्सेट्रा दैट डजेंट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस बट कैन बी कंजर्व्ड अप इन आवर माइंड। एग्जाम्पल क्या, प्रिवेंशन, चाइल्डहुड, बॉयहुड, मदरहुड, ऑल दिस कम अंडर इन द स्ट्रीम ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दिस वे वी कंक्लूडेड टू बाइफर्केटेड part of this noun, that is concrete and abstract, but now it is modern grammarians have bifurcated it into countable and uncountable noun, about which we will learn in next class. This is for standard 4 and 5. You must note it down and get it checked so that you can complete its concerned questions what are set for your syllabus. I do hope you might have understood better. You are following well? Yes, sir. Okay, this is sufficient for this class. In next class, we will learn about countable and non-countable bifurcation.
So just get, note it down and get checked.